कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद साल 2020 में जिन लोगों ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी, वो अब साल 2021 के लगते ही अपने जीवन साथी को चुन रहे हैं। इसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री भी कहीं पीछे नहीं है। अब लिस्ट में स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में फेम एक्टर नील भट्ट का भी नाम जुड़ने वाला है। जी हाँ, नील भट्ट ने 27 जनवरी 2021 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा के साथ सगाई की थी। अब एक्टर की शादी की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि एक्टर नील भट्ट की शादी के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार लोकप्रिय टेलीविजन कलाकार ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट दिसंबर 2021 में शादी करने जा रहे हैं। हालांकि अभी डेट की जानकारी नहीं मिल सकी है। विश्वसनीय संस्थान को एक सूत्र ने बताया कि नील और ऐश्वर्या ने कुछ सप्ताह पहले ही नासिक में एक छोटी रोमांटिक वेकेशन पर भी गए थे। इसीलिए अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अब उस जगह की एक झलक साझा की है। इसे नील ने भी अपने इंस्टा स्टोरी पर रीपोस्ट किया है। फोटो में जुड़ी इससे सारी खबरें सामने आ रही है। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि नील भट्ट ने 27 जनवरी 2021 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या शर्मा के साथ अपनी रोका सेरेमनी की तस्वीर शेयर की थी। जी हाँ, इन तस्वीरों में ये कपल बेहद खूबसूरत लग रहा था। पहली तस्वीर में ऐश्वर्या और नील को रोमांटिक पोज देते हुए देखा जा सकता था। दूसरी फोटो में आपको बता दें कि नील के कंधे पर ऐश्वर्या ने अपना सिर रखा है और दोनों ही खूबसूरती तरीके से स्माइल देते हुए दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों की कई फोटो ऐसे ही वायरल होती आ रही है। जी हां, तो फिलहाल नील और ऐश्वर्या साल 2021 के अंत में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो क्या आपको इस कपल की शादी का इंतजार है? हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।